सुनो। अरे बुरा मैया ने चला दए, अरे बुरा मैया ने चला दए, ओला मन से झुरती चली प्यारी अब ले जाती है ललिया। आज सुदामा रो रो करके अपनी हालत को बताने लगे। सुशीला ने जैसे ही सुना है तो बोली, हे महाराज, अगर कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं तो आप अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ, कुछ लेकर के मत आना, केवल अपनी गलती की माफी मांग करके चले आना। तो सुदामा ने एक बात कही है कि हे सुशीला, जब कोई अपने मित्र से मिलने के लिए जाता है तो कुछ न कुछ भेंट में लेकर के जाता है। मेरे पास तो इतना भी नहीं है, अगर सुबह की व्यवस्था हो जाती है तो शाम की नहीं, और शाम की हो गई तो सुबह की नहीं होती, मैं क्या लेकर के जाऊं। तो आज सुशीला ने कहा, महाराज इसके पीछे तुम चिंता मत करो। सुशीला वहां से पहुंची, एक सहेली के पास में पहुंची, बोली, बहन हमारे पिया अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर तेरे पास में कोई वस्तु हो तो मुझे दे दे। तो आज झुझला करके कहने लगी है कि कल ले गई सो अभी नहीं दई, फिर से आएगी। प्यारे भक्तों ध्यान रखना, एक गरीब की पुकार क्या होती है। आप लोग अपनी आंखों से देखते होंगे, न जाने कितने लोग गरीब हैं आज भी इस संसार में, सड़कों के पास लट करके अपने जीवन को बिताते हैं। कई कई बार मैंने देखा है कि उनकी झुग्गियों को भी फिकवा दिया जाता है। आज सुशीला जा करके एक दूसरी सहेली के पास पहुंची तो उसने फटे से कपड़े में 3 मुट्ठी चावल बांधे हैं और कहा, अपने पति को दे देना, और जा करके वो कन्हैया से मिल करके आए। आज सुदामा ने वो पोटली जो थी बगल में दबाई और कन्हैया से मिलने के लिए आगे को चले हैं। भगवान कन्हैया का नाम लेते चले जा रहे हैं। सुशीला कहती है, प्रभु जाओ जाकर।